फैसले पे सर क्यों झुका लिया? ताकि आपके दिल को सुकून मिल जाए। अगर सफीना आप नहीं रही तो आपकी ये बेटी तो आपके दिल से एहतराम करती है ना। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी अरे उधर जाके जरा मेहमानों को देख लो। मेरे बाल खराब करती। अच्छा भाभी चलो, हदीना तो तैयार हो गई होगी, चलते देते कितनी देर हो गई। उसके भी दस्तखत लेने हैं, भी निकाह हो जाए अब। चलो हाँ चलो चले चलो चलो। अब्बा वो काजी साहब का पता नहीं किया, कब आएंगे, कहाँ रह गए? अरे यार रास्ते में होंगे, मेरी बात हुई है अभी, उन्होंने कहीं और भी जाना था निकाह पढ़ाने के लिए। अच्छा आपकी बात हुई थी काजी साहब से? जी हाँ, मैंने फोन किया था अभी थोड़ी देर पहले। जिंदगी का मामला है, इंतजार तो करना पड़ेगा कतई। आओ। अरे अब्बा काजी साहब आ गए। काजी साहब आ गए रे। आओ बस जल्दी से निकाह का फॉर्म पूरा करवा दो अब्बा। हाँ हाँ इधर बैठते हैं, बैठ इधर बैठ। क्या हो गया ये, अभी तक क्यों नहीं आया, मुझे समझ नहीं आ रही। फोन मिलाती हूँ। हेलो। अरे क्या हो गया, इस वक्त क्यों फोन कर रही है? अरे तुम्हें बताया तो था आज मेरी बहन की शादी है, तो तुम क्यों नहीं आए? सुनिए तेरा मनहूस कजन, क्या नाम है, गुड्डू, ऐसे तारता है मुझे जैसे मेरी लस्सी बना के छोड़ेगा, मैं नहीं आ रहा। अरे क्यों मना कर रहे हो डार्लिंग, आ जाओ ना, देखो ना ताकि लगे हाथ तो हमारा रिश्ता भी हो जाए। मुझे तुम्हें अम्मा से भी मिलवाना है। रिश्ता की दही कर रही है इस वक्त? ये क्या तुमने अभी तभी की रट लगाई हुई है? मैं कोई तुम्हारा आवारा दोस्त हूँ? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, जरा तमीज से बात करो। आप जनाब, अच्छा चलो आप जनाब से ना सही, तू तलाक से ही कर लो, मगर अभी तभी। असल में सो रहा था ना, सुबह फजर के टाइम पे दुकान खोलनी होती है ना, हो सकता है नींद में कुछ ओल्ड फूल निकल गया। और डार्लिंग इसका मतलब तुम नहीं आओगे? नहीं तुम्हें तो आना पड़ेगा, तुम्हें आके देखना चाहिए ना, मैं तुम्हारे लिए इतनी तैयार हुई हूँ, इतनी हसीन लग रही हूँ, आके देख जो अपने हसीना को। हसीना को? अबे उसकी मतलब उसकी तो बारात है आज, उसको क्यों देखूं मैं? हैं? अरे हसीना की शादी है, मुझे भी पता है कि हसीना की शादी है, मेरी बहन की भी शादी है, लेकिन मैं भी तो एक हसीना हूँ, जैसे वो गाना है ना, एक हसीना थी एक दीवाना था। हाँ वो तो है, ठीक है मैं सो रहा है, कल मिलते हो। ओके भाई तुम आज शराफत से आ रहे हो यानी? अगर तुम नहीं आ रहे ना, तुम्हारा घर कोई इतनी दूर अमेरिका में नहीं है, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी समझे, और तुम्हारे दरवाजे के आगे खड़ी होंगी, बस तुम दरवाजा खोलो, मैं खड़ी हूँ, तीन गली पीछे है तुम्हारा घर। हाँ मतलब यही कह रहा था कि बस आ रहा हूँ मैं, ऐसे तुम्हें कैसे हो सकता है ना देखूँ ना, मैं फौरन यूं करके आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ। ये हुई ना अच्छे बच्चे वाली बात। हाँ बस अब तुम जल्दी से आ जाओ, और बाहर आके ना मुझे मिस कॉल दे देना, बल्कि
एक नहीं दो बार बैल देना। हाँ फिर मैं बाहर आ जाऊंगी। वैसे भी सब ना अंदर रस्मों में मसरूफ होंगे, हम दोनों भी मिल लेंगे, इतना अच्छा टाइम पास हो जाएगा। हाँ बस मैं पूछ यार। आए खाजी साहब, आए हाय बा, बैठे 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 यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीना बिन अलाउद्दीन, आपका निकाह आलम बिन अलीमुद्दीन मुबलिक 50,000 रुपये हक मेहर के इवज निकाह किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? हसीना तू चुप क्यों है? हाँ बोलना बेटा। बोल हसीना बोल। क्या है बेटा, कुछ तो भी बोलते ना। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। ये क्या बकवास है हसीना, तेरी तरह हाँ बोल और निकाह नामे पे दस्तखत कर। क्यों अम्मा, क्यों करूँ मैं दस्तखत, क्यों करूँ मैं? हाँ काजी साहब आप ही बताइए, क्या हमारे मजहब में शरई तौर पे लड़की को यह हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इनकार या इकरार कर सके? जी बिल्कुल, इस्लाम पूरा हक देता है कि एक बालिग लड़की अपनी मर्जी से इकरार करे या मना करे। ठीक है तो फिर मेरी तरफ से मना है, इनकार करती हूँ मैं इस शादी से, नहीं कर सकती मैं शादी। तो इतनी संगल कैसे हो सकती है बेटा? मत कर, मत कर ऐसा गुनाह। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जब लड़की राजी नहीं है तो आप लोग इसका जबरदस्ती निकाह नहीं कर सकते। अरे खाजी साहब बाहर को भी आते, एक बात तो ही कर रहा हूँ। तू बिल्कुल अच्छा नहीं तारी, अच्छा नहीं तारी तू। हमारे साथ इतना इतना बुरा हो चुका है तुमको कि अब हमारा दिल नहीं चाहता किसी के साथ अच्छा करने का, समझी? ये कैसा मजाक है हसीना। अरे हम तो पहले बहुत ताने और तकलीफें उठा चुके, मत कर मेरी बच्ची ऐसा मत कर, वरना हम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हाजी साहब घर में कुछ भड़क सहमी हुई, उसको लेके तुरंत बहुत तो भी गुस्से में हो गई है। हाँ ये बात है, आप लोगों ने पहले लड़के से पूछा नहीं था? अरे पूछा था उन्हें, हाँ बोली एकदम से, पता नहीं गुस्सा गायब कर लिया होगा। ठीक है मैं समझता हूँ, आप लड़की को समझाने की कोशिश करें, मैं यही रुकता हूँ। बहुत मेहरबानी हाजी साहब। हाय बैठे बैठे। हाँ बैठे तुम आओ। आगे तो कैसी लग रही हूँ आज मैं? जहर लग रही सर। क्या कहा फिर से कहना? मैं कह रहा हूँ क्या कमाल लग रही हो, अकील भाई का सफेद वाला आठ लग वाला कट्टा नहीं आता वो लग रही हो। मैं तो कह रहा हूँ मिस्टर का हुस्न फीका पड़ जाए तुम्हारे आगे। हाँ किलो पतरा लग रही हो, हाय तुम्हारे हुस्न के आगे ये बिजलियाँ जो गिर रही हैं, मैं तो ढेर हो गया उस खूबसूरती से। आए ताजा ताजा मलाई से निकला हुआ मक्खन लग रही हो तुम। हमें जाऊं? आए हो अभी, बैठो तो सही, जरा अम्मा को आने दो। अरे टेंशन मत लो, मेरा मतलब है अम्मा आ जाए तो तुम उनसे और वो तुमसे, मतलब तुम अपनी सास से और वो अपने होने वाले दामाद से मिल लेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। मरवाएगी क्या? अरे मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं देख सकता, ये बता रही हूँ मैं पक्का वाला। हाँ ये तो है, तुम अगर आगे खड़ी हो जाओ तो जो बड़ी वाली 62 मंजिला बिल्डिंग नहीं बनी है वो भी छुप जाए। दादा बकवास नहीं करना, समझ में आई? तुमने फिर मुझे मोटा होने का ताना दे दिया ना। हम मोटे हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। अब मैं जाऊं? अरे नहीं ना,
पता है आज इतना खुशी का मौका है और मुझे लगता है आज के दिन अगर अम्मा को बुलाऊंगी ना तो अम्मा तुम्हें देख के मान जाएंगी और पसंद भी कर लेंगी, मना भी नहीं कर सकेंगी। देखिए तौर तरीकों के खिलाफ है, मैं इसके खिलाफ हूँ। देख गलत तरीके से नहीं आना चाहिए, जब मैं आऊंगा तुम्हें मक्खन लस्सी घी असली वाला उसके कनस्तर लाऊंगा 5-6 किलो वाले, लगे तो कुछ दूध वाला है, मिठाई के साथ आऊंगा, ऐसे थोड़ी आऊंगा। तुम सच कह रहे हो? कसम से यार, तुम अंदर जाके देखो अंदर क्या माहौल चल रहा है, मैं जरा फोन सुन लूँ। हाँ चलो मैं देखती हूँ अम्मा को ना। ओके हेलो, हाँ बस आ रहे हूँ, आ रहे हूँ। हाँ पीछे पीछे खड़ा हूँ, दो गली पीछे। हाँ हाँ आ रहा हूँ ना। भाभी ये तो समझाओ ना, ये ड्रामेबाजी नहीं करे, ये सत्यजी राजी होता है। एक बार बोल दिया ना फुफो कि नहीं करनी शादी, समझ में नहीं आता तुम्हें? बहुत हो गया सर, अब बस कर, इतनी सजाएं ना दे हमें कि हम जीते जी मर जाए। एक तो करीना दे गई और एक गम सफीना का सहना पड़ा, बस अब तो मान जा, कोई खुशी तो नसीब होने दो मुझे। अम्मा मैं आलम से तो क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, बस कह दिया है। अरे भाई मुन्नी की बारात आ गई है, ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा, मेरी तो बेइज्जती हो गई ना मेरे दामाद के सामने। आनी तो दे दी ना मेरी प्याली सी बेटी, दे मानदा मेरा आलम है ना तुझे बड़ा छुतरते था और मैं ना तेरे थाले नच रहे उताऊंगी, मैं बिल्कुल तुझे परेशान नहीं करूंगी। मेरी बच्ची राधी हो जा, दे थाली तेरी हाथ दे, और पता है जल्दी चल ले, वो सब लोग इंतजार कर रहे हैं वहां पर। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है कि कहीं मुन्नी की बारात ना लौट जाए ये तमाशा देखकर। नैनतारा तुम ही समझाओ इसे, कैसी ढेड़ बनी हुई है ये। बड़ी फिक्र हो रही तुम अपने दामाद की। लो तो क्यों ना हो, इतना पैसे वाला है, इतना इज्जतदार है, तो फिर क्यों ना करूं मैं उसकी इज्जत। असल बात तो यही है कि वो दौलत वाला है ना। लो अजीब बात कर दी तुमने, आजकल के दौर में दौलत किसकी जरूरत नहीं है, और होनी भी चाहिए, दौलत तो सब कुछ है। हाँ भाई ये बात तो है, दौलत सबको अंधा बना देती है, बड़े बड़े ऐप छुपा देती है लोगों को। अच्छा अब तंज कर रही हो मुझ पर? तू क्या अपना धर्रा लेकर बैठ गई बिलावत देता, कामत है जब तानर आ रही है। मानदा बेटी मानदा दे हसीन, मान जा मान जा खुदा का वास्ता, एक बार काजी साहब भी इंतजार करते हैं। नहीं करूंगी, जरा पप्पू को भी तो पता चले कैसी तकलीफ होती है जब होती शादी रुकती है, कितना जलील होते हैं लोगों के सामने। बहुत तकलीफ दी है पप्पू ने भी हमें, बहुत जलील किया है पप्पू ने भी हमें। अरे भूल जा भूल जा। क्यों भूल जाऊं, जब तुम्हारा मोहल्ले में निकलना बंद होगा ना अम्मा की तरह हमारी तरह, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या तकलीफ होती है। अरे कैसी बदतमीज है ये, इसका तो बड़े छोटे की तमीज ही नहीं है, किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं है इसका तो। हाँ बस बस बहुत इज्जतदार हो, चलो चलो निकलो चलो चलो। देख नैनतारा मैं कह रही इसको समझा ले। अच्छा अच्छा नहीं करूंगी। अम्मा चली जाओ यहाँ से, मेरे सर में दर्द हो रहा है, वरना मैं उठ के बाहर चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी घर से। काफी देर हो गई मौलवी साहब को अंदर कैबिन में तक। हाँ वैसे आपसे पहले क्या है, हम लोग कुछ ज्यादा टाइम लगा दिए मौलवी साहब। प्लीज सर पता तो करवा दीजिए कितनी देर हो रही है। जी मैं पता करवाता हूँ, देखता हूँ किसी को। गुड्डू, हाँ गुड्डू बात सुन रहे यार। जी क्या हुआ, खैर तो है यार? वो अब्बा और काजी साहब कहाँ रह गए? मालूम करें अंदर जाके कितनी देर हो गई है। जी हाँ वो दरअसल वो एक्चुअली जो दुल्हने हैं वो अभी तक पार्लर से तैयार होके आई नहीं, और जो काजी साहब हैं उनको मैंने अंदर बिठाया हुआ है, जैसे ही वो आएंगी मैं काजी साहब को बाहर ले आऊँगा, आप बेफिक्र रहें। चलें ठीक है,
मैं भी अपने भाई का इंतजार कर रहा हूँ, शायद वो निकाह से पहले ही पहुँच जाए। जी यार गुड्डू, जैसे ही दुल्हन आ जाए पॉर्डर से फौरन निकाह पढ़वा देना, कसम से बैठा ही नहीं जा रहा, इतनी शदीद गर्मी लग रही है शेरवानी में। जी जी मैं बता दूंगा, आप बेफिक्र हैं, मैं बस आया अभी। चले सॉरी गुड्डू आपको तंग किया। नहीं आप अपना काम करें, करिए। ए फोन उठा ले मुन्नी, मिस मौरी किसी ने देख लिया तो तू तोड़ जाएंगे। आ कहां छुपे हुए, उधर आओ। ओई ओई 5 मिनट में बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे मेरे बगैर, इतनी खुशी। कहां मर गई थी हैं, इतनी देर से फोन मिला रहा हूं। तुम जानते हो मेरे अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, और जब मैं डांस करने के लिए खड़ी होती हूँ ना, तो फिर तो मुझे पता ही नहीं होता मैं हवाओं में उड़ी होती हूँ। अब मैं जाऊं? क्या क्या कौवा हुआ तो नहीं खा के आज तुम? जाऊं 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 की रट लगा के रख दिए, क्या हो गया? अभी रुक तो जाओ, अभी तो हमारा भी एक गाना बनता है ना, चलो डांस करते हैं। ये दुनिया पीतल दी, ये दुनिया पीतल दी, अबे भी डोले में सोने दी, अबे भी डोले में सोने दी। कैसे लग रही हूँ? बेबी डॉल तुम सोने की नहीं, मेरी बेबी डॉल तो हीरे की है, हीरे की। पता है एक बात है, आज वाकई तुम कुर्बानी की अच्छी वाली गाय लग रही हो। क्या मुसीबत है तुम्हें, क्या बकवास लगा रखी है तुम? गाय भैंस और दूध दही से बाहर नहीं निकल के आ सकते? क्या कहूँ, अपना काम ही कुछ ऐसा, पूरा दिन गाय भैंसों में गुजरता है, और फिर बकरीद के बकरीद जो है लोग भी आता है। क्या क्या तुम कसाई भी हो हैं? तुम क्या बुलक्कड़ भी हो? नान नन्नी है तो वैसे भी नन्नी बुल्ली हो, भूल गए बकरा कौन गिरा के गया था तुम्हारे यहाँ? कसाई भी हो भाई, बात सुनो, सीजन के सीजन जो काम चल रहा होता है ना, जो दिल करता ना वो बन जाता हूँ मैं। तो फिर मेरे दूल्हा कब बनोगे? बहुत जल्द मेरी जानू। अल्लाह कितने अनरोमांटिक हो तुम, कभी कोई प्यार भरी बात खुद से भी कर लिया करो, हर बार मुझे इशारा देना ही पड़ता है। लो ऐसी बात है, एक प्यार भरा शेर सुनाता हूँ मैं। हाँ सुना, इरशाद। ये इरशाद कौन है, है? मैं बब्बन हूँ, बब्बन इरशाद। उफ, बब्बन साहब, मेरा मतलब है आप शेर इरशाद फरमाइए। वही 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 शेर बब्बन कीजिए। हाँ हाँ सुना, वही वही शेर अर्ज किया है। दूर से देखा तो दूर से देखा तो दूर से देखा तो हसीना बाल बना रही थी, हसीना बाल बना रही थी। दूर से देखा तो हसीना बाल बना रही थी, करीब जाके देखा तो करीब जाके देखा तो भैंस अपनी पूंछ हिला रही थी। तुम ये क्या बकवास शेर सुनाते रहे हो, तो मेरे लिए भी इस टाइप का शेर। किसका फोन है ये? हेलो, दोस्त को हार्ट अटैक आ गया तो अस्पताल में उसके साथ। निकल रहा हूँ, बस पहुँचा, अभी पहुँचा। हाँ आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। हाँ हाँ बस पहुँचा पहुँचा। हाँ हो गया। किससे झूठ बोले थे तुम? अम्मा से है? अम्मा से कोई इतना फोन पर घबराता है? झूठ किससे बोले थे ये बताओ, झूठ बोला क्यों तुमने? तो क्या बोलता हूँ तुम्हें, रात के 12 बजे तुमसे खड़ा हुआ हाथ में टक्का कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से जा रहा हूँ मैं। अब सुनो तो। अरे भाग्या, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा, ये अम्मा से बात करते मैं तक क्यों घबरा रहा था? खैर इसके तो मैं खुश लगा के रहूंगी, अपनी शादी क्यों खराब करूँ। चलो ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही तो मैं अपने आप को खत्म कर दी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अगर तू चाहती है कि मैं तेरे पांव पकड़ लूं, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। क्यों गुनाहगार कर रही हो अम्मा मुझे? हाँ, और तू जो ये हरकत कर रही है वो तो सबको सवाब पहुंचाने के लिए कर रही है ना?
बाजी ये तमाशा बंद कर दो प्लीज, बाहर जाओ तो सब यही पूछ रहे हैं कि दुल्हन क्यों नहीं आ रही, जरूर कोई ना कोई मसला। तो क्या हो गया, लोगों का तो काम ही बातें करना है, कुछ नहीं होता बातों से, ना ही कोई मरता है ना ही किसी का पेट भरता है। लेकिन इज्जत तो खराब होती है ना। कुछ भी हो अम्मा, ये मेरी जिंदगी है और ये मेरा फैसला है। तो पहले क्यों हमें बरी थी आपने इस शादी के लिए, प्लीज मान जाओ सबकी बात, कर दो। हाँ बता बता के थक गई हूँ मैं सब, कि मैं ये शादी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। इज्जत का सवाल है, टाइम भी बहुत हो गया, बाहर सबकी जुबान पे एक ही सवाल है कि दूसरी दुल्हन कहाँ है। ठीक है, अगर तू नहीं मान रही तो मैं अपने आप को खत्म कर देती, तू करती रहे अपनी जिद। अम्मा अम्मा तू जा देख, तुम जिम्मेदार हो सबकी, जा यहां से। अम्मा क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। सुना आप लोगों ने? हाँ हम लोग का सुने, खबूल है खबूल है खबूल है। आओ यहाँ दस्तक कर दो। खाजी साहब एक आदमी, बहुत बहुत मुबारक आपको भी, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। आपके नहीं का कब होना है? जी तैयारी चल रही है बस, कत हो गया ना। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। ये अयास कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। अच्छा वो आपके भाई हैं? जी जी मेरे भाई है, पहुँच जाना चाहते हैं। नो वे जी, अरे फिक्र नहीं करें आप, आ जाएंगे, ड्राइवर तो है ना साथ में। ड्राइवर तो साथ है उसके, बस थोड़ी परेशानी हो रही है, जल्दी आ जाए। अरे छोड़ दो मुझे, अम्मा छोड़ो ना। अरे भाभी रहने दो मुझे, छोड़ो करो, पागल हो गई है। खाजी से धर्म में ऐसी हरकतें कर रही है तू। अरे तुम और क्या करूं, क्या फायदा है मेरे जीने का? अब और क्या क्या बहाने बनाए हम, क्यों मुझसे पुराने बदले ले लिए? भुप्पो मेरी बात सुनो, बालम ने मुझसे कहा था कि मैं आलम से शादी कर लूं, मैंने उसके कहने में आके हाँ कह दी, मगर उसने मुझसे ये वादा किया था कि वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगा, और फिर वो दुबई चला गया, तो उसका वादा भी गया और मेरा वादा भी गया, तो फिर मैं क्यों करूं आलम से शादी? और जहां तक बदले की बात है तो हाँ, बालम के जाने के बाद मैं आज यहाँ पर तैयार इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे वाकई तुमसे बदला लेना था। जिस तरह तुमने आपा को जलील किया था, उसी तरह मुझे भी तुम्हारी औलाद को जलील करना था, तुम्हारे बेटे आलम को।
ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि एक माँ का दुख क्या होता है। देखो सीना, मैं काजी साहब को बुलाने जा रही हूँ, अगर तूने उनके सामने ना की तो मैं तेरे सामने खुद को मार डालूंगी, देखना तू। चल उठो। यार का निकाह भी हो गया, लेट इतने लेट। ठीक है, मैं इंतजार करूं, जल्दी आओ जल्दी। कान खोल के सुन लो पोपो, मैं इसी तरह सारी रात तैयार बैठी रहूंगी, मगर तुम्हारे बेटे की दुल्हन नहीं बनूंगी, समझी तुम? तू तो मुझे पहले एतात निभाती थी, तू मेरे बेटे से शादी से क्या इंतजार कर रही थी? मैं खुद ये शादी नहीं करवाऊंगी। इधर से तसर में तर रही थी तुझसे शादी। क्या चांदारा, चांदारा कोई है तो नहीं? दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? ये कागजात ले आई। हाँ ये दी, इधर दी दादा। ये क्या है? ये उधर से दादा दे। ये तुम्हें कहाँ से मिले? कहीं से भी मिले तो आम था, पेड़ ना दे। तुम पागल हो गई हो पुप्पो, मैं मर जाऊंगी इस पर साइन नहीं करूंगी, समझे तुम? कैसे नहीं करेगी, तेरे तो मेरा भाई भी चलेगा तेरा अब्बा। ये क्या है? दिमाग खराब हो गया क्या? अल्लाह माफ करे, बहुत बुरा किया है हसीना ने। क्या हो रहा सब कुछ, लोगों को इज्जत का भी ख्याल ना को है? आओ। पता नहीं कैसे नसीब है, कैसे औलाद लिखी थी मेरे नसीबों में, कुछ नहीं छोड़ा मेरा इन लोगों, कुछ नहीं छोड़ा। अम्मा हौसला कर, अब क्या कर सकते हैं? हमारी जान में सब कुछ क्या हो गया? अरे मैंने तो कभी भी हसीना के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, तो उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों? मैंने तो उसे जन्म दिया था बेटा, वो मुझे ही बर्बाद करके चली गई। ये तो समझ में नहीं आ रहा, जब क्या होगा? होगा क्या, हम लोगों को नजरा झुका के चलना पड़ेगा। लोग क्या तो भी बोलेंगे, अरे सब बोलेंगे इन लोगों की बहू भाग गई कतई। आओ चलिए गुड्डू, देख के आते हैं हसीना को, पता नहीं कहां चली गई। चल यार। अम्मा तुमने मुझे ये सब दिखाने के लिए यहां रखवाया? हाँ मैं ही गुनहगार हूं तुम सब। अरे दुआ करो कि अभी की अभी मौत आ जाए मुझे, अभी की अभी। वो तो सब ठीक है, पर मुन्नी का क्या होगा? तन्ना क्या है, तू तो तरने दे बस। आओ ठीक तो भी बोल रहे हैं,
रोज बेचारे क्या तो भी खुशबू नहीं तारा तुम सबर करो इस बेचारगी से क्या तो भी होएगा। अरे कैसे सब्र करूं अली मम्मी मेरा तो पूरा घर ही उजड़ गया। पता नहीं जमाने की नजर लग गई मुझे ना मेरी बेटियों का सुख देखा और ना बेटे की खुशी मिली। ये तो तर भी तर है मनचान मेरे को भी सुनने को देख क्या बहुत बुरा हुआ कतरीना। अरे आनंद कितना तो भी खुश था इन हसीना सारी खुशियां गारत करको भाग गई कतई नाओ। हाँ अरे पहले करीना भाग गई अब हसीना। अगर एजाज साहब को पता चल गया तो फिर कितनी बुरी बात है। ओ ठीक कहते इसको शादी ना को करनी थी हमारे को कह देती कि मेरे को ना को करनी थी तो फिर हाँ और बिला वजह का खर्चा करा दिया। अरे खर्चे की बात नहीं है इज्जत का सवाल है इज्जत का और सबसे बढ़ के तो अपना आलम है ना उसकी खुशी का तो मैं सोच रही ला। हाँ ये तो है अब हमें वलीमा भी नहीं करना पड़ेगा। तुम सौ औरता लोगों को खर्चे की छुकस होती कतई अरे जज्बाता को भी तो देखते ना कतई हो। अरे पैसे बचाएंगे तो आगे काम आएंगे ना। अल्लाह समझेगा तुम औरता लोग हो। सुनो रुखसती का वक्त करीब आ रहा है मैं जा रहा हूँ कतई। हाँ आप जाएं मैं आती हूँ। जल्दी आना कतई मैं जा रहा समझे देरी ना करोगा ना। अल्लाह पूछे तो थप थप दलील चलाते चली गई ये हसीना भदौड़ी। ये जिल्लत उठाने से तो बेहतर है कि इंसान मर जाए। या अल्लाह मुझे मौत दे दे या अल्लाह मुझे उठा ले अब लो दो तो क्या जवाब देंगे। वो आलम और गुड्डू गए कि नहीं उनसे कहे कि कहीं से भी ढूंढ के लाए उसे मुझे नहीं पता। अच्छी खासी शादी हो रही थी पता नहीं क्यों भाग गए महरूस। फालतू बकवास बंद कर ले आदत तो नहीं बोलना समझते ही ना। सही तो कह रही हूँ वो नन्नी बेचारी कब से कह रही है कि मेरी शादी करवा दो मेरी शादी करवा दो उसकी कोई सुन नहीं रहा है और जो नहीं कह रहा उसके पीछे पड़े हुए कि कर ले शादी कर ले शादी कर ले शादी। चुप हो जा जा जाके मुन्नी के पास जाकर बैठ। और बार बार क्यों आ जाती है तू जा रही हो ना गुस्सा क्यों कर रही है आप जिसको देखो मुझ पे गुस्सा कर रहा है। लोगों को शायद शक हो गया कुछ। तुम जाओ पर जाके मुन्नी की रुखसती करवा दो। हाँ हाँ बस वो एजाज अहमद के भाई आ जाए उसके बाद रुखसती करवा दी। अल्लाह तेरे तुझे फिसलते दिख जाए और उठ ही ना सके। तुम दोनों जाओ मैं आ जाऊंगी खुद। हमीद आए हमीद होए तुम बैठे रहो तो दरान बनते दाओ तरते तब बेहतर खुद दिमाग खराब। अरे तुम लोग फिर क्यों आ गई वहां से रुखसती तो करवा दो। बस एजाज अहमद का भाई आ जाए फिर कराते हैं रुखसती। अभी तो वो दोनों नहीं आए ना तुम्हारा बेटा आया ना मेरा बेटा आया। तुम लोग देर मत करो जाओ जल्दी से रुखसती करवा दो। ठीक है हम फिर चले जाते हैं अगर हसीना आ गई तो फिर उनके जाने के बाद उसका निकाह करवा देंगे। वो नहीं आने वाली भाग गई वो भदौड़ी। पता नहीं किस बात का बदला लिया हसीना ने मुझसे। मतनारा तू दा मैं आती हूँ दा। ठीक है नैन तारा को भी साथ लेकर आ। हाँ ले आऊंगी। सीधी सी बात मुझ में तो हिम्मत नहीं है वहां जाने की। चंदरा तुम जाओ मुझे नहीं जाना। तुम जाके देखो
और कोशिश करना कि जो थोड़ी बहुत इज्जत बाकी बची है कहीं उसका भी जनाजा ना निकल जाए। मैं तो थतलती रहती हूँ, तुम फिताई थे थपता तामना तरू क्या थमल लिया मुझे? तू दा तू बैठी रे, दफा हो इधर से। मनु तई थी यही है जिंदगी। मेरा तो मोहल्ले में निकलना ही बंद हो जाएगा। भाभी तुम ऐसे मुंह लटकाते बैठी हो, पता करो ना तुम भदोड़ी तीसरे दांत भागी है। चुपो, जबान संभाल के बात। ओए, तू आराम से बात कर, समझा? ना शादी हुई ना थक में खुशी नसीब में आई। वो हसीना चली गई थी घर से निकाह के वक्त। क्या?